नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 भले ही अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट खेमे में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये बात पिछले कई दिनों से हो रही है। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया टूर पर आपने जगह नहीं दी, उसके बाद आपने कहा कि रोहित शर्मा की चोट ऐसी है जो लंबा समय ले सकती है। अमूमन हैमस्ट्रिंग इंजरी जो होती है वो ज्यादा 4 से 6 हफ्ते का समय लेती है, लेकिन इस बीच यहां पर रोहित शर्मा खुद को फिट साबित करने के लिए मुंबई इंडियंस के लिए मुकाबले खेल रहे हैं। या तो बीसीसीआई झूठ बोल रही है या फिर मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा, क्योंकि प्लेयर तो ये बात कह रहा है कि वो फिट है। रवि शास्त्री इस बात पर कह चुके हैं कि रोहित शर्मा पूरे तरीके से फिट नहीं है और हम रिस्क नहीं ले सकते। वहीं आपने केएल राहुल को वाइस कैप्टन भी डिक्लेयर कर दिया। अमूमन प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर टीम का एक वाइस कैप्टन आपके टूर पर जाता है और अगर रोहित शर्मा की वापसी होती है तो रोहित शर्मा एज वाइस कैप्टन नहीं जुड़ेंगे, फिर वो एज अ सीनियर प्लेयर टीम में जुड़ेंगे। बीसीसीआई ने जब टीम अनाउंस की थी तो बीसीसीआई ने अपनी तरफ से ये बात कही थी कि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा की फिटनेस पर मॉनिटर जो है की जा रही है और हो सकता है कि वो आने वाले समय में टीम के साथ जुड़े। लेकिन आपने केएल राहुल को उपकप्तान बनाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्या रोहित के साथ अनफेयर हो रहा है जो एमएस धोनी के साथ हुआ, जो युवराज सिंह के साथ हुआ? तो क्या आप रोहित शर्मा को देख नहीं रहे हैं सिलेक्टर्स कि भाई क्या रोहित शर्मा ऐसा तो है नहीं कि रोहित शर्मा कोई छोटे मोटे खिलाड़ी हो। विराट कोहली से आज के समय अगर औहदे की बात की जाए तो रोहित शर्मा का औहदा बराबर है और रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को ना जाने कितनी जीत दिलाई है। ऐसे में ऐसे खिलाड़ी को आप ऐसे समय पे बाहर करते हैं जहां पर आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से तालमेल बिठाना पड़ेगा, और रोहित शर्मा ये बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं अगर वो मैच फिटनेस पर है तो। अब इस पर विवाद पैदा हो रहा है कि नहीं भाई, बीसीसीआई की नजर में तो रोहित शर्मा फिट नहीं है लेकिन रोहित शर्मा खुद को फिट साबित कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर गौर करना बड़ा जरूरी है, और अगर इन चीजों पर गौर नहीं किया गया तो एक बात तो तय है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। सिलेक्टर्स वहां पर क्या कर रहे हैं ये बात समझ से परे है। जो काम एम एस के प्रसाद किया करते थे वो अब ऐसा लग रहा है कि सुनील जोशी की टीम भी कर रही है। सौरभ गांगुली का इंटरफेरेंस क्या है इसमें कुछ समझ से परे, ये जो है चीजें नहीं आ रही हैं। लेकिन बीसीसीआई की बातों से तो ये लगता है कि नहीं भाई, रोहित शर्मा के लिए मुंबई इंडियंस देश से ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं। अगर एक खिलाड़ी ये बात कह रहा है कि वो मैच फिट है और अगर वो टूर के लिए फिट है तो आप उसको क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो मिलना जरूरी है। रवि शास्त्री अपनी बात आके कहते रहेंगे लेकिन आप यही करते करते खिलाड़ियों को ड्रॉप कर देते हैं, फिर आपकी टीम हार के आती है और फिर आप ये कहते हैं कि वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इस बार वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया को आप 2018 में खेल के आए हैं। इस टीम में डेविड वार्नर है, इस टीम में स्टीव स्मिथ है। इस बार उस समय उन पर बैन लगा हुआ था। तो यहां पर रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके लिए ओपन के लिए सेट हो चुके थे। पृथ्वी शॉ कितने फिट हैं कितने फिट नहीं है और प्लस उनका कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं आईपीएल में, तो क्यों रोहित शर्मा को प्रेफर नहीं किया गया? मयंक अग्रवाल ने फिर भी रन किए हैं, शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा जैसा सीनियर खिलाड़ी अगर ऑस्ट्रेलिया टूर पर नहीं जा रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर बीसीसीआई और रोहित शर्मा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, या तो विराट और रोहित शर्मा के बीच में कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा हो चुका है कि अब इसे भरा नहीं जा सकता। हालांकि क्या सच है और क्या झूठ, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।